सोलन में इंडियन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी संस्था द्वारा वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों के दौरान पुराने बस स्टैंड से चिल्ड्रन पार्क तक रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे पर सभी को मुबारकबाद दी और बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेषता दिव्यांगजनों के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि इंडियन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी संस्था की मांग को उन्होंने लोकसभा में उठाया और इसका नतीजा है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को दिव्यांगों की सूची में शामिल कर लिया गया है ताकि वह भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाए। उन्होंने इस मौके पर सभी दिव्यांग बच्चों के सुनहरी भविष्य की कामना की और कहा कि हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सभी दिव्यांगजनों की भावनाओं को समझें और उनके साथ समय व्यतीत कर उनका हौसला बढ़ाएं। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो दिव्यांग जनों में या डिसेबिलिटी की जो हमारी कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं करता है, उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो हमने इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया, सरकार के समक्ष भी लाया और आज मुझे खुशी है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो उसमें योगदान अगर मैं व्यक्तिगत कहूँ तो उसमें विपुल जी का और इनकी जो एसोसिएशन का है आज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है उसमें इंक्लूड हुई है। आज इस शुभ अवसर पर मैं सभी दिव्यांगजनों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। यही मैं समझता हूं कि दिव्यांगजनों को हम अपने समाज का पार्ट एंड पार्सल मानकर, अपने परिवार का पार्ट एंड पार्सल मानकर, उनके साथ हर दुख सुख में उनके साथ खड़े होने के लिए हमें कोई इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए और मुझे खुशी है कि केंद्र में जो मोदी सरकार है उन्होंने इसको डिसेबिलिटी का नाम छोड़कर जो है दिव्यांग जन जो है वो परिवर्तित किया है।